दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को होम्योपैथिक मेडिसिन टेरिबिनथिना के बारे में बताएंगे कि यह हमारे किस किस रोगों पर काम करता है। जब बच्चे के पेट में कीटाणु पड़ जाते हैं, कृमि पड़ जाते हैं, तो क्या यह दवा का प्रयोग करते हैं तो बच्चे के पेट में जो कीटाणु है, कृमि है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, या फिर जब हम यूरिन त्याग करते हैं, पेशाब करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे पेशाब की साथ ही ऐसा लगता है कि खून की मात्रा आने लगता है, ऐसा लगता है कि जो मेरा पेशाब है वह बिल्कुल लाल हो जाता है, यानी कि लाल ब्लड की तरह पेशाब आने लगता है, तो वैसे स्थिति में लोग घबरा जाते हैं। तो क्या वैसे स्थिति को भी यह मेडिसिन ठीक कर देगा? तो दोस्तों, टेरिबिनथिना होम्योपैथिक मेडिसिन को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, टेरिबिनथिना एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हमारे शरीर से कहीं भी श्लेष्मिक झिल्लियां हैं, यदि वहां से खून स्रावित हो रहा है, ब्लड स्रावित हो रहा है, यदि इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाए तो बहुत जल्द में उसे कंट्रोल कर लेता है, यानी कि उसे बंद कर देता है, खत्म कर देता है, या फिर कभी कभार पेशाब के माध्यम से भी ब्लड की जो मात्रा है होने लगता है। खास करके देखा जाए तो यह गर्मियों के समय जब आता है तो यह रक्त स्राव है, जब पानी की कमी पड़ता है तो हमारे मूत्र में ब्लड की जो मात्रा है ज्यादा आता है, तो वैसी स्थिति में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। या जब ब्लड आता है तो उस समय हम जब पेशाब करते हैं तो साथ में बहुत तेज जलन होता है और जलन के साथ में खून की पेशाब होता है, गुदे में जहाँ जो किडनी है वहां उसमें सूजन आ जाता है, तो वैसे स्थिति में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि जब हम नींद में होते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है, और वैसे स्थिति में हम जो अपना मूत्र है, खास करके बच्चे सियाने नहीं मूत्र त्याग कर देते हैं, यदि उस स्थिति में भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाए तो वैसे स्थिति में भी बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम अपने शरीर के पार्ट पर अलग अलग करके देख लेते हैं कि किस पार्ट पर टेरिबिनथिना होम्योपैथिक मेडिसिन क्या काम करता है। तो हम सबसे पहले हम आपको सर से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो जब हमारा सिर दर्द होता है और सिर पर जब दबाव या भारी भारी महसूस होता है, सिर दर्द होने के साथ साथ सिर के चारों ओर कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि कस करके बांधा गया है, ऐसा महसूस होता है, साथ ही चक्कर भी आता है, या फिर आंखों के आगे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधेरा सा छा गया है, साथ ही रोगी सदैव अपने आप को स्वस्थ महसूस न करते हुए अस्वस्थ महसूस करता है, और उनका जो मन है बिल्कुल ही स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है, साथ ही नाक में जख्म हो जाता है एवं नाक से खून आने के साथ होने वाले सिर दर्द हो, तो यदि उस समय इस औषधि की प्रयोग करते हैं तो सर दर्द के साथ साथ नाक से जो खून आता है वह दोनों बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग आंखों से संबंधित लक्षणों के बारे में कुछ जान लेते हैं कि यह हमारे आंखों पर किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों, यदि रोगी के ऊपरी पलक, जो यह ऊपरी पलक है, उसमें बहुत तेज स्नायु शूल का दर्द होता है और आंखों का ऐसा दर्द जो एक आंख और सिर के एक ओर ही उत्पन्न होता है, साथ ही
यदि शराब का अधिक सेवन करने से आंखों का कमजोर हो जाना, या फिर जो शराब का अधिक सेवन करता है उसे अपनी आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी लक्षणों में टेरिबिंथीना होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम कर जाता है। अब हम कानों से संबंधित लक्षण के बारे में जान लेता है कि यह हमारे कानों पर किस प्रकार से क्रिया करता है। तो रोगी में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें उसे अपनी ही आवाज अपने ही कानों में गूंजता हुआ महसूस होता है। यह तब होता है जब हमारी कानों में सूजन आ जाता है या जब हमें सर्दी हो जाता है। वैसा लगता है कि जो आवाज हम बोलना चाहते हैं वो ठीक उल्टा ऐसा लगता है कि हमारे कानों के माध्यम से बाहर निकलता है या कानों में गूंजता है। तो और उसे शीतलन में शंख की आवाज सुनाई देता है। तो वैसे स्थिति में यदि टेरिबेंथीना होम्योपैथिक मेडिसिन का वह व्यक्ति प्रयोग करता है तो यह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। साथ ही जब सांस लेने में उसे परेशानी होने लगता है और फेफड़ा जो है बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि फूला फूला महसूस होता है, और साथ में खांसी, जब वो पेशेंट खांसता है तो खांसी के साथ खून की कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी आता है बलगम में लिपट करके, या जब नीचे वह थूकता है तो उसमें भी ब्लड की छोटे छोटे कुछ टुकड़ा उसमें मिल करके बाहर आता है। तो वैसी स्थिति में यदि टेरिबिंथीना होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करता है वह व्यक्ति तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग हृदय से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो टेरिबिंथीना का रोगी की नाड़ी जो है या गति जो है बहुत ही तेज धड़कती है, साथ ही नाड़ी कमजोर पतली एवं रुकी रुकी हुई चलती है। ऐसे लक्षणों में रोगी को टेरिबिंथीना दवा का प्रयोग कराया जाए तो उसकी जो नाड़ी है या नाड़ी की जो कमजोरी है यानी कि नस की जो कमजोरी है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और फिर सामान्य रूप से धड़कना या चलना शुरू हो जाता है। अब हम लोग मुंह से संबंधित लक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जीभ का टेरिबिंथीना का जो रोगी है उसका जो जीभ है वह बिल्कुल सूखा सूखा मालूम होता है या लाल चमकीला होता है। साथ ही जीभ पर दाने निकल आते हैं, जीभ के निशान पर जलन होने के साथ जीभ पर दाने हो जाता है। सांस जो है बिल्कुल ठंडी महसूस होता है या सांस रुक रुक करके लेता है ऐसा उसे महसूस होता है। सांस लेने में उसे परेशानी भी होती है। मुंह में चले जाना और दांतों में उत्पन्न रोग आदि मुंह से संबंधित लक्षणों मरीजों को टेरिबिंथीना दवा देने से यह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग किडनी से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। किडनी में जलन और दर्द होना, साथ ही किडनी में सूजन महसूस होने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और नितंब जो कि जुतड़ है तक यदि फैल जाता है तो वैसे लक्षणों में यदि टेरिबिंथीना औषधि का प्रयोग कराते हैं तो बिल्कुल ठीक और निरोगी हो जाते हैं। अब हम लोग पेट से संबंधित कुछ लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो पेट में बहुत जोरों की ऐंठन होता है, तेज दर्द भी साथ में होता है। पेट में ऐंठन होना, पेट में जलन होना, पेट में तेज दर्द होना, पेट में ऐंठन होने के साथ साथ यदि तेज दर्द हो तो टेरिबिंथीना होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कराया जाए तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग त्वचा से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे चेहरे पर बहुत काफी मात्रा में मुहासे निकल करके ठीक जल्दी नहीं होता, या जो त्वचा की रंगत है वह बिल्कुल लाल हो जाती है, खुजलाती है और फुंसियों से वह भर जाता है, और उसमें का फुंसी होता है जो ऐसा लगता है कि पीला पीला और उसे रस जो है निकलता रहता है पानी की तरह। त्वचा पर लाल रंग ऐसा देखते हैं तो पता चलता है, और बाद में जो है जब उसका जो पनीला रस है निकल जाता है तो जो लाल रंग है वो बिल्कुल काला दिखने लगता है, या फिर छपाकी जिसे हम अर्टिकारिया के नाम से जानते हैं, या फिर त्वचे पर नीले रंग का दाग होना, या फिर त्वचा
का बिल्कुल सूख जाना है या फिर खून की उत्पत्ति से उत्पन्न बुखार होता है, तो वैसे स्थिति में हम टेरिबिंथीना होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब हम लोग मल से संबंधित लक्षणों के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो टेरिबिंथीना में पानी की तरह अच्छे व हरे रंग का बहुत ही दस्त आता है और बार बार आता है, साथ ही खून का मल के साथ आना, मल त्याग से पहले दर्द होना और मल के साथ गैस यानी वायु का निकलना इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। दस्त के बाद मरीज को ऐसा लगता है कि अपने आप में वह बहुत ही कमजोरी महसूस करता है, तो वैसे स्थिति में भी टेरिबिंथीना होम्योपैथिक मेडिसिन यदि वह सेवन करता है तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग बुखार से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो बुखार में प्यास का अधिक लगना, जीभ का बिल्कुल सूख जाना और शरीर से ठंडा व सिकेली का आदि बुखार आना आदि के यदि ऐसे लक्षण देखने में आता है तो टेरिबिंथीना होम्योपैथिक मेडिसिन यदि लेता है तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। जब रोगी को बुखार आता है तो बिल्कुल सनिपातिक यानी बिल्कुल शरीर जो है ठंडा रहता है और बुखार की स्थिति में जो उसकी पेटे हैं वह बिल्कुल ही फूला फूला महसूस होता है, तो वैसे स्थिति में जो टेरिबिंथीना का रोगी है वह उसको रोना आता है और वह रोना चाहता है, तो समझ जाए कि वो टेरिबिंथीना होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग अगले लक्षणों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पेट में ऐसा भी होता है कि जो छोटे छोटे बहुत हैं बहुत सारे कीड़े पेट में पड़ जाते हैं और जब कीटाणु पेट में पड़ जाते हैं तो जो बच्चे हैं उनकी जो मलाशय है या रेक्टम है वहां पर खुजली हुआ करता है, क्योंकि कीटाणु जो है सुड़सुड़ाया करते हैं जब चलते हैं तो सुड़सुड़ी होता है और वैसे स्थिति में वहां पर वह खुजलाना चाहता है या जब लैट्रिन करने जाता है तो बहुत सारे जो कीटाणु हैं उसके मल त्याग के साथ ही बाहर आते हैं, तो वैसे स्थिति में भी यदि टेरिबिंथीना होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कराया जाता है तो वह सारे के सारे कीटाणु बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग मूत्र से यूरिन से संबंधित कुछ लक्षणों को जान लेते हैं। तो टेरिबिंथीना में पेशाब करने में परेशानी तो होता ही है और पेशाब करते समय परेशानी के साथ साथ कभी कभार जो पेशाब है बिल्कुल खून की तरह होने लगता है, खून की तरह आने लगता है और जो पेशाब है रुक रुक कर होता है, मूत्र मार्ग में जलन होता है, तो वैसे स्थिति में टेरिबिंथीना बहुत ही अच्छा काम करता है। या फिर फूल करके पेशाब ना हो करके बूंद बूंद करके आता है या जलन बहुत काफी तेज होता है, तो वैसे स्थिति में भी यदि हम टेरिबिंथीना होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन टेरिबिंथीना के बारे में आप सभी को मैं अच्छे से बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ। यदि फिर भी कुछ कमी रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दो ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।